गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आरपीएम को लेकर के। दोस्तों हमारी जो गियर की शिफ्टिंग होती है और आरपीएम का जो स्पीड मीटर होता है, आपका गियर शिफ्टिंग और आरपीएम सेटिंग कितने पे आपको गियर चेंज करना है। मैं आप सामने देख रहे होंगे, जो आपको दिख रहा है वो हाईवे है, एक्सप्रेस वे। तो आज इसके ऊपर हम ड्राइविंग करने वाले हैं। इसके आरपीएम को रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, कॉमन थे कि आरपीएम हमको कौन से हिसाब से मैनेज करना है, कितनी स्पीड पे हमको गियर को चेंजेस करना होता है, वो सारा कुछ आज के वीडियो के अंदर मैं फाइनली प्रैक्टिकल करके आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो फाइनली दोस्तों मेरे जो लाइट है ना, वो स्पीड मतलब नॉर्मल कैमरा मैंने लगा दिया है। थोड़ा सा आपको डैशबोर्ड वैसा लगेगा, थोड़ा सा जूम टाइप हो रहा है क्योंकि बाहर सेटअप नहीं हो पाया इसकी वजह से, बट सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर कोशिश करूँगा सेटअप करने की। तो यहाँ पर आपको गेयरबॉक्स जो भी गेयरबॉक्स का जो लीवर होता है ना, वो आपको शो कर रहा होगा। आगे का पूरा डैशबोर्ड आपको सैम्पली शो कर रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा। लेकिन आज मैं जो खड़ा हूँ ना, वो एक्सप्रेस वे है। तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे एक दो नंबर तीन नंबर गियर तक, और वहाँ पर आपको देखना है कि हमारी जो गियर की गियर के हिसाब से जो आरपीएम है ना, वो कितना रिलेटेड कर रहा है। तो चलो चलते हैं। तो फाइनली मैंने जो सीट बेल्ट थी मैंने कस ली है और मैंने क्लच ली, गाड़ी को स्टार्ट किया है मैंने। गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई ऑलरेडी, ठीक है, सारी लाइटें डाउट हो गई हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे, जैसे मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया वहाँ पर आरपीएम अभी 800 है। तो अभी जो मेरा आरपीएम आप देख रहे होगे 800 है, अभी का जो आरपीएम आपको दिख रहा है वो 800 है, ठीक है। अगर मैं एसी अपनी ऑन कर रहा हूँ, मैं जैसे अपनी एसी को ऑन किया तो आरपीएम देखना है, इसका आरपीएम कितना जा रहा है। देखो 900 पहुंच गया, 1000 क्रॉस नहीं होगा। अगर आपकी गाड़ी अगर एसी चालू करने के बाद 1000 क्रॉस कर रही है ना, तो समझ लेना आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, प्रॉब्लम है। तो वो अगर गाड़ी का खर्चा है तो उससे पहले ये सारी चीज़ें दिखा लेना, ठीक है। मैं आपको एक बार बंद करके और दिखा देता हूँ। देखो मैंने एसी को बंद कर दिया, मेरा जो आरपीएम था वो आप मीटर देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको साफ आपको नज़र आ रहा होगा। तो 800 आ गया, वापस से मैंने एसी को बंद कर दिया। तो वापस से एसी में एक नंबर पे चालू करता हूँ, एक नंबर करो दो नंबर करो, इतना डिफरेंटली नहीं है, लेकिन हाई स्पीड पे आपको नॉर्मल रखना है। तो मैंने हैंड ब्रेक अपनी उतार दी है और मेरी सीट थोड़ी सी पीछे है, उसको मैंने लेवल किया। और लेवल करने के बाद मैंने फर्स्ट गियर लगा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने फर्स्ट गियर यहाँ पर लगाया और क्लच में रिलीज कर रहा हूँ। तो मेरे आरपीएम पे आपको तो क्लच मैंने रिलीज की और मेरी गाड़ी बिना फर्स्ट गियर में अभी चल रही है, देख लो। तो मेरा जो एक नंबर गेट है, मैंने कोई नॉर्मल एक्सीटर नहीं दिया है, अभी ऐसे ही चल रही है। आप आरपीएम देखेंगे यहाँ पर 800 से वापस आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एक्सीटर लिया मैंने नॉर्मल, थोड़ा सा 1100 पहुँचा, ठीक है। अब मैंने दो नंबर गियर लिया, दो नंबर गियर में देखेंगे आरपीएम मेरा उतने के अंदर ही अंदर है और मैं एक्सीटर ले रहा हूँ तो 1000 से ऊपर जाएगा, थोड़ा सा देख रहे हैं 1200 जा रहा है, ठीक है। 1200 तक ही नॉर्मल लग रहा है क्योंकि 1248 सीसी का ही इंजन है, इससे ज़्यादा है नहीं। इससे आप ज़्यादा खींचोगे तो आपकी गाड़ी की जो वॉइस है ना, वो करने वाली है, ठीक है। मैंने तीन नंबर गियर लिया, 1200 के अंदर हो गया फाइनली मैं, अभी देखेंगे 1200 जा रहा है, 1000 1200, तीन नंबर गियर में गाड़ी है, 1200 वॉइस चेंज हो रही है, 1200 पे तुरंत वॉइस चेंज हो जाती है। जैसे ही आपका आरपीएम 1200 जा रहा है वैसे ही आपकी आरपीएम, अगर मैं 1500 खींच रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा मतलब इंजन की केबिन की मेरे पास अंदर तक आवाज़ आ रही है। इससे क्या होगा ना, आपकी जो गाड़ी का माइलेज है ना वो ड्रॉप होगा। इसके लिए आपको लिमिट रखना है। तीन गियर नंबर गियर मैंने वापस से लिया, चार नंबर गियर, तो चार नंबर गियर देखेंगे यहाँ पर 800 पे वापस आ रहा है, तो 1000 जाएगा, जा रहा है, ये वापस 1200 पहुंच गया। 1200 जैसे ही आरपीएम पहुंचता है ना, आप खुद की गाड़ी के अंदर केबिन के अंदर ना
इंजन की वॉइस आने लगती है, इंजन बताने लगता है कि आपको गियर शिफ्ट करना है। तो ये चीज आपको बहुत दिख रहा है। अगर मैं देखो वापस से 1500 खींच रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अब यहाँ पे 1500 पहुंचा। वॉइस इंजन की जो वॉइस है ना नॉइज केबिन के अंदर आ रही है, और इंजन को इंजन मुझसे कह रहा है कि आप जो गियर शिफ्टिंग है ना टॉप मॉडल लगाओ, मतलब टॉप गियर में शिफ्ट करो, मैंने 5 नंबर गियर डाल दिया है। तो यहाँ पर आपको ये चीज प्रैक्टिकल आपको खुद देख लेनी है और समझ लेना है। इसके लिए मैंने उससे वाला वीडियो जो बनाया था ना, वहाँ पर मैंने आपको फाइनली बता दिया था। अभी मैंने 5th गियर चेंज कर दिया है, अभी RPM यहाँ पर आपको मायने नहीं रखता है आपको कितना, क्योंकि आगे इसके तो आपके गियर है नहीं, शिफ्ट करने नहीं है। तो RPM 1500 जा रहा है, एयरबेज निकालना है आपको, गाड़ी का माइलेज निकालना है, परफेक्टली आपको माइलेज मिलेगा 1500-1600, राइट। हाईवे पे अभी ये स्थिति देख लीजिए, आप अगर आप सिटी में गाड़ी चला रहे हैं तब भी वही चीज़ है, सिटी में भी आपको नॉर्मल RPM पे ही वही चीज़ सामने आएगी जो कि मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर आपको समझाया था बताया था। अभी मेरा जो RPM है ना 1800 के नीचे है, 80 की स्पीड है, 8 × 16 सिंपल। ये जो RPM अभी जो गाड़ी चल रहा है ना, स्पीड मीटर और RPM यहाँ पर सिंपल समझ रहे हैं आप, 80 की स्पीड ये आपकी गाड़ी अभी जो ड्राइव हो रही है ना, इसमें आपकी गाड़ी का अगर माइलेज निकालना है तो परफेक्टली आपकी गाड़ी का माइलेज निकलेगा। अभी मैं देखो थोड़ा सा भगा रहा हूँ, 80-90 की स्पीड जाएगी और 2000 RPM पे मैं गाड़ी को खींच रहा हूँ, ठीक है। 100 की स्पीड जा रही है, ठीक है, 100 हमारी स्पीड, तो फाइनली 100 स्पीड जा रही है, 2000 का RPM हो गया। इतना तक नॉर्मल है, आप 100 तक चला सकते हो अगर आपको माइलेज नहीं निकालना है तो। अगर आपको माइलेज निकालना है तो 2000 से नीचे रहना है, 2000 के ऊपर नहीं जाना है हमेशा। और अच्छा सा माइलेज निकालना है, गाड़ी की मेंटेनेंस नॉर्मल नहीं रखनी है आपको, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है गाड़ी के अंदर, अच्छे से मेंटेन रखना है, तो आपको गाड़ी 80 की स्पीड 1600 RPM पे आपको गाड़ी को ड्राइव करना है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको फिर से अगर दिखाऊं तो आप समझेंगे और सोच के समझेंगे कि आपको फाइनली कहां पर क्या इशू आ रहा है। तो ये है 1500-1600 RPM। अभी का जो फाइनली जो RPM आपको दिख रहा होगा वो 1500 है, ठीक है, और मेरी गाड़ी है 70 के ऊपर फेट, मतलब 75 और 75 इधर होगी। तो यहाँ पर जो आपका स्पीड मीटर होगा ना सामने अगेंस्ट, आपको वही मीटर आपको नज़र आएंगे स्पीड को लेकर के। तो जहाँ पर स्पीड आपकी 80 होगी तो सामने 1600 होंगे, अगर स्पीड आपकी 90 की होगी तो आपकी यहाँ पर RPM 180 का 1800 RPM होगा, मतलब RPM आपको डबल कर लेना है, वहीं पर आप समझ जाओगे। क्योंकि किसी भी स्पीड मीटर पे आपने देखा होगा 1000 × RPM लिखा होता है, पहले लिखा होगा गुणित, गुणा का निशान जो होता है ना वो, उसके बाद RPM। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा, इसके ऊपर मेरा कैमरा थोड़ा सा सेटअप नहीं।